केवल इलाहाबाद में पत्थरचट्टी और पजावा ही दो स्थानों से दल नहीं निकलते, सिविल लाइन से निकलता है, कटरा से निकलता है, दारागंज से निकलता है, ये दो और पत्थरचट्टी और पजावा ये दो पुराने ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ से दल निकला करते हैं। ये इलाहाबाद की एक सांस्कृतिक परंपरा है, झांकियों के माध्यम से यहाँ न केवल धार्मिक चरित्रों का चित्रण होता है बल्कि आप देखेंगे सामाजिक परिवेश के भी बहुत से चित्र होते हैं। बहुत पहले यहाँ स्वाधीनता के लिए, स्वाधीनता के युग में इस झांकियों का प्रयोग लोगों में स्वाधीनता की भावना जगाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामलीला जो बनारस में चलाई थी ना सबसे पहले, तो उसका उद्देश्य लोगों में अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए संघर्ष करने की शक्ति जगाने के लिए किया था। और लोग बलवान बने, आस्थावान बने, अपने धर्म और संस्कृति को पहचाने, इसके लिए उन्होंने वहाँ शुरू किया। वहाँ से शुरू हुआ तो फिर इलाहाबाद तो बनारस के नज़दीक है और सांस्कृतिक दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है, यहाँ भी लोगों ने उस परंपरा को आगे रखा और ये सदियों से चली आ रही है, आज की नहीं पुरानी, बहुत पुरानी। और इसमें केवल रोशनी या संगीत केवल इसी का सवाल नहीं है, ये एक निश्चित रूप से एक उद्देश्य को लेकर धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि झांकियों की संख्या बढ़ती जा रही और उसमें नए नए विषयों का समावेश हो रहा है। केवल रामचरितमानस से संबंधित चरित्र नहीं रहते, उसके बाहर की भी बहुत सी घटनाएं इसमें दिखाई जाती हैं और एक सामाजिक परिवर्तन का और सामाजिक समरसता का भी ये एक प्रतीक। फिर आप ये भी देखते हैं कि यहाँ इस हमारे इन दलों में बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द। अब हम जहाँ बैठे हैं जिस क्षेत्र में, यहाँ तमाम लोग आप देख रहे हैं कि दूसरे मज़हबों के लोग भी इस दल का स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं और बड़ा यहाँ साथ चलते हैं, गले मिलते हैं और इस झांकियों का बड़ा स्वागत करते हैं। तो ये भी एक झांकियों की तरह से सभी धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ सभी मिल जाएंगे और साथ चलते हैं। राष्ट्रीय महत्व के रूप में क्या राष्ट्रीय महत्वपूर्ण ये है कि ये एक अपने रूप में राष्ट्र को भी संदेश देते हैं कि भाई जैसे श्री राम का चरित्र था, श्री राम ने जो मर्यादाएं हमारे लिए स्थापित की थी तो उन्हीं मर्यादाओं पर ये देश चलता रहे, इसका एक संदेश। और उन मर्यादाओं में आप देखेंगे कि राम ने शबरी के झूठे बैर खाए, राम ने निषाद को गले लगाया, राम ने जटायु का दाह संस्कार किया। अब कहाँ एक राजा, कहाँ एक शबरी, कहाँ एक राजा, कहाँ जटायु एक पक्षी, कहाँ एक राजा और कहाँ निषाद राज एक केवट मल्ला। तो ये सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा संदेश है जो हमारी इन झांकियों में आपको देखने के लिए मिलता है और ये राष्ट्र भर के लिए संदेश है कि जिस रूप में इनको मनाया जाना चाहिए इसमें से ये संदेश प्रवाहित होते हैं, मिश्रित होते हैं और देश में राष्ट्रीयता, सामाजिक समता, मर्यादाएँ और राज्य के लिए भी एक संदेश कि इस राम के राज्य में किसी को न दैहिक ताप था, न किसी को दैविक ताप था, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं, तीनों ताप से प्रजा मुक्त। तो राज्य भी ऐसा होना चाहिए, ये भी संदेश हमारी झांकियाँ देती है कि प्रजा संतुष्ट रहे और देश में एक ऐसा सबको सुखी करने वाला राज्य स्थापित हो।